नमस्कार साथियों, आज अपने बात करेंगे गाते हूँ गतांग। ये पिछले वीडियो में भी हमने किया था, गाते हूँ गतांग। उसी के आधार पे आज अपने कुछ क्वेश्चन और करेंगे। गाते हैं गतांग, जिसमें अपने मान निकालना किया था और एक गाध्रुव में अनुस्वर निकालना सीखा था। तो उसी के आधार पे अपने जैसे क्वेश्चन करते हैं एक, कि जैसे मान लो संख्या दे देता है कि 3 की घात 2 × 3 की घात 3। इसका अपने मान निकालना है, इसका अपने क्या निकालना है, मान निकालना है। अगर मान निकालना है तो अपने किस तरह से करेंगे कि 3 को अपने 2 बार लिखेंगे इंटू, फिर 3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। पहले 3 को 2 बार लिखेंगे और फिर 3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। फिर अपने क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 3 × 3 = 9। 27 × 9 आ जाएगा। 27 को क्या करेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे। 27 को क्या करेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे। तो 9 × 7 = 63, 6 बचेगा, 9 × 2 = 18 और 6 = 24। यानी अपना अगर मान निकालना हो कि इसने ये सवाल दिया है कि 3 की घात 2 × 3 की घात 3, इसका मान ज्ञात करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 243। अगर इसी क्वेश्चन को ये बोल दे कि घातांक रूप में लिखें, इस संख्या को घातांक रूप में लिखें, तो अपने क्या करेंगे, गुणा का निशान है तो 3 की घात 2 और यहां भी 3 की घात कितनी है, 3 है, तो इन दोनों का अपने क्या कर देंगे, योग। योग करेंगे तो 3 की घात क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। 3 की घात 5 बन जाएगी। यानी इनटू में है संख्या और दोनों संख्या अपनी क्या है, सेम है, और ऊपर वाली संख्याओं का अपने क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अगर इस तरह से अपने नहीं करना चाहते, इसी संख्या को आधार मानकर अपने इस तरह से भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 243 है तो इसका अपने क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 का भाग चला जाएगा इसमें, 8 × 3 = 24, 3 एकम 3, फिर 3 का चला जाएगा तो 27 पे 27 81, फिर 3 का चला जाएगा कितना आ जाएगा, 9, फिर 3 का चला जाएगा कितना आएगा कि 3 और फिर 3 का 1। अब देखो यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार है, 5 बार, तो 3 की घात 5। और इस सीधा अपने प्लस करके करते हैं तो भी 3 की घात क्या आता है, 5 आता है। इसी के आधार पे अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई संख्या दे देता है अपने भाग के अंदर, किसमें, भाग में जैसे कोई संख्या देता है, जैसे 5 की घात 4 की घात 5 भाग 4 की घात 2। पहले अपने गुणा का निशान था, अब निशान किसका आ गया, भाग का निशान आ गया। तो अपने इसको किस तरह से करेंगे कि 4 की घात 5 बटा में 4 की घात 2, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 4 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 4 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, और फिर नीचे 4 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। आपस में ये कट जाएगा, 4 से 4 कट गया और फिर 4 से 4 कट गया, बच गया अपने पास क्या, 4 3 बार। 4 कितनी बार बचा, 3 बार, तो 4 की घात क्या बढ़ गया, 3। ये तो हो गया अपना घातांक रूप। अगर अपने कह दे कि इस सवाल को हल करें या सरल करें या मान निकालें, तो अपने क्या करेंगे कि 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2। अब ये भाग का निशान है तो अपने बटा में लिख सकते हैं इसको। 4 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, और नीचे 4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 4 से 4 कट जाए, फिर 4 से 4 कट जाए, 4 कितनी बार बचा, 3 बार, तो 4 × 16, 16 × 64, मान कितना आएगा अपना, 64 आएगा। कितना मान आएगा, 64। अगर 64 को भी इस तरीके से अपने, यानी सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ पे काटने के बाद घातांक रूप में बदलना है तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इनका मान निकाल के, यानी 64 अपना मान आया, इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं।
जैसे 64 में 2 का भाग जाता है तो 32 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2 और फिर 2 का भाग 1। अब यहाँ पे 4 की घात कैसे बनी, किसने क्या किया था, 2-2 के जोड़े बनाए थे। अगर यहाँ पे अपने क्या करें कि 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहाँ पे अपने 2 की घात 6 लिखते हैं तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। और 4 की घात अपने 3 लिखते हैं तो यानी 2-2 के जोड़े बनेंगे तो भी अपना 4 की घात 3 भी क्या होगा, सही आएगा, यानी उसका मान कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। और एक सीधा सिंपल सा तरीका, अगर अपने घातांक रूप में लिखना हो तो अपने किस तरह से करेंगे, इसी सवाल को अपने घातांक रूप में लिखते हैं। गुणा का निशान था तो अपने क्या करना था, जो घात थी उनको प्लस करना था, अब क्या करना है, घातों को घटाना है। तो 4 की घात क्या आ जाएगी, 3। पहले अगर अपने सीधा मान निकाला तो भी अपने मान कितना आया था, 4 की घात 3 आया था। अब देखते हैं कि दो घातें अगर दी गई हो, जैसे मान लेते हैं अपने पास कि 3 की घात 2 और 12 घात दे रखी इसने, 10 की घात 2 ब्रैकेट घात क्यूब, तो इसको अपने क्या करेंगे, अब अपने क्या करना है, 3 को 2 बार लिखना है। दोनों तरीकों से बताऊंगा कैसे करना होगा। 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, ये जो घात है इसको बाहर ही रखेंगे, अंदर वाली जो घात थी इसको अपने 2 बार लिख लिया, बाहर की जो घात है उसको बाहर रख लिया, तो 3 की है 9, 9 की घात कितनी बन गई, 3 बन गई। अब 9 को अपने क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे, 9 को कितने बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे, और इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 9 ने 81 में 9 ने 81, इन दोनों का गुणा कर देंगे इनटू 9, फिर 9 एकम 9 9 8 72, यानी कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, 729। और इसी को अगर अपने घात रूप में बदलना है, इसको अपने क्या करना है, घात रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे कि 729 में क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखो 2 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा, 9 का 3 का देखते हैं तो 7 और 2 9 9 9 18, 3 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 3 दुनी 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 4 दिए 12 और 3 दिए 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा क्योंकि 4 और 3 7 और 2 9, 3 का भाग देते हैं तो 8 दिए 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग चला जाएगा क्योंकि 8 और 1 9 होते हैं, 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 27, फिर 3 का भाग चला जाएगा 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा 3, फिर 3 का भाग 1। अब देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार है, 6 बार, तो अपना मान कितना आएगा, 3 की घात 6। अगर अपने घातांक रूप में बदल ले तो 3 की घात क्या आ जाएगा, 6। अगर सीधा कह दे कि सरल करो या मान निकालो तो अपना आंसर क्या आएगा, 729 आएगा। फिर अपने देखते हैं इसको आसान तरीका कौन सा, इसका घातांक रूप में बदलने का आसान तरीका, ये तरीका तो अपना क्या था, थोड़ा सा बड़ा था। अब देखते हैं घात की घात है तो 3 की घात 2, आपस में इनका क्या कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 की घात क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। पहले भी अपनी घात क्या आ रही थी, 6 आ रही थी और अब भी क्या आ रही है, 3 की घात 6। अब अपने बात करते हैं, जैसे इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो इनके अपने मान ज्ञात करते हैं या घातांक रूप देखते हैं इसका क्या आएगा। तो आप देखो 5 की घात 5 माइनस 5 है तो 7 का तो 7 आ जाएगा, सॉरी 7 की घात 5 माइनस 5 है तो 7 का तो 7 आ जाएगा, घात क्या आएगी इसकी, 5 में से 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 7 कितनी बार है, 0 बार है, यानी इसकी कोई घात नहीं है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मान क्या आएगा, 1। और अब इसकी बात करते हैं तो 2/5 2+3 - 5 तो 2/5 घात प्लस की है जो जुड़ जाएगी आपस में, 2 और 3 5 माइनस 5,
अब क्या बचेगा यहाँ पे, 2/5 की घात क्या बचेगी, 5 - 5 है तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये एक क्यों आ रहा है, अगर अपने इसकी घात एक होती तो अपनी जो संख्या है वो सेम की सेम आ जाएगी, यानी आंसर जो अपना है वो सेम आ जाएगा। अगर जैसे मान लेते हैं अपने ये 7 की घात 1 है तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 है, इसको 0 नहीं करेगा, यानी 7 को अपने 0 बार लिखना, लेकिन ये इसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अब इसकी बात करते हैं तो 2 2 की घात 0 तो मान क्या निकलेगा, 1 + 5 की घात 0 तो कितना आएगा, 1, इसका आंसर अपने क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से 7/5 तो 7/15 की घात क्या है, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 + 1/7 तो 3 - 3 तो 1/7 की घात क्या बन जाएगी, 0, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1, और इनका आंसर क्या आएगा, 2। अगर घात 0 दी गई है, घात क्या दी गई है, 0, तो अपना मान क्या आएगा, 1 आएगा, और बीच में प्लस का निशान आ जाए और घात क्या हो, दोनों की 0 हो तो दोनों का योग कर देंगे, यानी एक एक मान रख के दोनों का योग कर देंगे, मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। धन्यवाद।